दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में दो गुड न्यूज दूंगा और जामिया का रिसेंट नोटिफिकेशन बताऊंगा। दोस्तों रिसेंट नोटिसेस क्या क्या आई हैं, इसके अलावा जामिया मिल्लिया इस्लामिया में क्या दो गुड न्यूज है, सीटें बढ़ने वाली है, कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं, तो ए टू जेड ऑफिशियल न्यूज के थ्रू आपको पक्की खबर मिलेगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जामिया के वीसी ने शिक्षा मंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात की, तो बहुत सारे गुड न्यूज लेकर आई है। तो दोस्तों सबसे पहले नोटिस की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट का काम है। 20 अगस्त तक, यानी आज 18 है, कल 19 और 20, 20 अगस्त तक बीटेक बीआर वाले फॉर्म अप्लाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया में कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, तो 20 अगस्त तक लास्ट डेट है बीटेक और बीआर में जामिया मिल्लिया इस्लामिया में एप्लीकेशंस फिल करने के लिए। इसके अलावा जो नोटिसेज हैं, जो कि आनी है अभी, क्लास 6, 9, 11 आर्ट्स कॉमर्स और साइंस के रिजल्ट, जो कि अभी रिजल्ट नहीं आई है। मैंने रिजल्ट अभी चेक किया है, रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आई है। रिजल्ट तो बनकर तैयार है, लेकिन 10वीं का भी मार्कशीट बिहार बोर्ड का हर स्कूल के पास नहीं पहुंचा है। यूपी बोर्ड का भी मार्कशीट जो है 10वीं का हर स्कूल के पास नहीं पहुंचा है। जब 10वीं का मार्कशीट सब स्टूडेंट को मिला ही नहीं अभी तक, तो कैसे जामिया मिल्लिया इस्लामिया अपने स्कूल में दाखिला देगी, किस बेसिस पे देगी? पहले मार्कशीट लाइए तभी तो एडमिशन होगा। तो अभी रिजल्ट निकाल के क्या फायदा, क्योंकि जब भी रिजल्ट निकलेगा एडमिशन का तिथि, एडमिशन की तारीख, एडमिशन का डेट अनाउंसमेंट होता है कि इस डेट को आइए और आप एडमिशन ले जाइए और आप फीस जमा कीजिए और अपना मार्कशीट जमा कीजिए और एडमिशन ले जाइए। तो अभी इंतजार है कि जितने स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, सबको अपना अपना मार्कशीट 10वीं 12वीं का मिल जाए, ठीक है, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। तो बहुत सारे कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि 6, 9 और 11 का कब रिजल्ट आएगा, तो मार्कशीट के आने के बाद बीटेक बीआर वालों के फॉर्म 20 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। अब एक भारत सरकार का मुहिम है नमामि गंगे, क्योंकि गंगा को नीट एंड क्लीन करना है। कैसे हम आर्किटेक्चर कैसे डिजाइन करें, कैसे सिस्टम लगाएं कि हम अपना गंगा को, गंगा जी को क्लीन कर पाएं। तो अलवीना हबीब खान, जो कि फाइनलिस्ट स्टूडेंट है जामिया मिल्लिया इस्लामिया से, मास्टर कर रही है रिक्रिएशनल आर्किटेक्चर में। तो इनका कहना है कि जो भी चीजें होती हैं अगर सिस्टमेटिक किया जाए तो गंगा क्या पूरी दुनिया साफ सुथरा हो सकता है। तो इनकी ये मुहिम है और इस मुहिम में फाइनल स्टूडेंट सेलेक्ट हो गई है। और बहुत खुशी की बात है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया से एक स्टूडेंट का भारत सरकार के एक मुहिम में सिलेक्शन हुआ है और फाइनलिस्ट स्टूडेंट है अलवीना हबीब खान जी। अगर ये वीडियो देख रही है तो आपको बहुत बहुत बधाई, लख लख बधाई, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन कि आपने जामिया का नाम रोशन किया है, आप अपना भी नाम रोशन किया है, परिवार का और जो भी आप कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं सबका नाम। तो इसी हिसाब से मैं जो भी आपको चीजें बताता हूं ऑफिशियल न्यूज से। अब जामिया के वीसी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात की। अब इस मुलाकात में आप देख सकते हैं, ये है हबीब खान जी, ठीक है, अलवीना हबीब खान जी, जिनका वीडियो भी रिलीज हुआ है नवाबी गंगे, नवामी गंगे, जो एक भारत सरकार के ऑफिशियल वेब पेज है इसका। देखिए, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का नमामी गंगे, इस पे वीडियो भी शेयर किया गया है 16 अगस्त के दिन। तो आप देख सकते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया का नाम यहां है और यहां पे भारत सरकार की ये ऑफिशियल वेब पेज है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो जामिया का नाम भारत सरकार के साथ, वल्ला वल्ला। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जामिया का नाम रोशन हो रहा है, तो आप एडमिशन लेंगे तो आपका भी नाम रोशन होगा ना, ये गुड न्यूज है। और गुड न्यूज और भी ये है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वीसी ने धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि शिक्षा मंत्री है, इनसे मुलाकात की, बहुत सारे कोर्सेस लॉन्च करने की बात की कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया को स्किल का हब बना दीजिए। स्किल का हब इसलिए बनाइए क्योंकि आप खुद भी, ये खुद भी क्या है ये देख लीजिए, इन्होंने ये कहा कि हु इज ऑल्सो द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी जो अपने मिनिस्टर है शिक्षा मंत्री जी, ये एक और भी मिनिस्टर है। क्या मिनिस्टर है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इनका कहना यह है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भर भर के कोर्स नए नए लॉन्च कर दीजिए, जो कि इंडस्ट्री इंटरफेस हो, जो कि आने वाले कल के लिए इंडिया में रोजगार देगा और स्टूडेंट को भी अच्छा ट्रेनिंग देगा। तो इन्होंने कहा है कि प्रोफेसर अख्तर सेड दैट ऑन हर रिक्वेस्ट, इनके रिक्वेस्ट पे मिनिस्ट्री साहब ने एक्सेप्ट किया और कहा कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि कोर्स लॉन्च करेंगे तो आप में कोर्स लॉन्च किया जाएगा, जब कोर्स लॉन्च होगा सीट बढ़ेगी, सीट बढ़ेगा तो एडमिशन आसान होगा। तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि कोई भी सर्टिफिकेट मिले, बस मेरे नाम के पीछे जामिया का हाथ लग जाए, मेरे नाम के पीछे जामिया का, डीयू का, जेएनयू का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का टैग मेरे नाम के पीछे लग जाए। तो बहुत लोगों का सपना होता है, जब सीटें ज्यादा होगी तो बहुत सारे बच्चों का जो नाम है वो रोशन होगा, बहुत सारे बच्चों का किस्मत जो है चमकेगा, बहुत सारे बच्चों का सर्टिफिकेट बड़े यूनिवर्सिटी से मिलेगा, क्योंकि सीटें कम रहेंगी तो स्टूडेंट कम पास आउट होंगे, जब सीटें ज्यादा रहेंगी तो स्टूडेंट ज्यादा पास आउट होंगे जामिया से, बीएचयू से, एएमयू से, डीयू से, जो कि देश का जाना माना क्या है यूनिवर्सिटीज है, जो कि टॉप 10 रैंकर यूनिवर्सिटी है। तो टॉप 10 यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे तो आपका करियर भी तो खिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वाइस चांसलर नजमा अख्तर जी ने मुलाकात की धर्मेंद्र प्रधान जी से, और इन्होंने ये आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेब पेज जामिया के ट्विटर हैंडल पे भी है, वेबसाइट पे भी है, और इन्होंने लिखा है कि उन्होंने जामिया को कौशल विकास तथा उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए एक हब के रूप में विकसित करने के लिए
विचार व सहमति व्यक्त किए, बिल्कुल सहमत हो गए हैं कि हाँ बिल्कुल आप जो कह रही हैं वो कोर्स हम आपको देंगे। और वाइस चांसलर जी, जब जब इन्होंने डिमांड किया सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो डिमांड मिनिस्टर ने, प्रधानमंत्री ने पूरा भी किया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी खुशी की बात है, कितना अच्छा गुड न्यूज है कि यहाँ पे देख सकते हैं जल शक्ति में अलविना हबीब खान ने नाम रोशन किया है और यहाँ देख सकते हैं नए कोर्सेज लॉन्च हुए हैं। तो दोनों खुशी की खबर है और बीटेक वालों को 20 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं और 11th आर्ट्स कॉमर्स साइंस का तभी एडमिशन का नोटिस आएगा जब मार्कशीट सब बच्चों को मिल जाए। तो अपने आसपास कोशिश कीजिएगा, जानिएगा कि मार्कशीट क्या बिहार बोर्ड का आ गया, यूपी बोर्ड का आ गया, एमपी बोर्ड का आ गया, राजस्थान बोर्ड का आ गया, हरियाणा बोर्ड का आ गया, सीबीएसई बोर्ड का आ गया, आईसीएसई बोर्ड का आ गया। तो जरूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरा मार्कशीट आ गया, कमेंट करके बताइएगा। और ये दो गुड न्यूज आपको कैसे लगे ये भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय जामिया।